नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाई मेंढर ने नई सरकार के गठन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र के में निर्माण व विकास का मार्ग सुगम होगा। संवाददाता अमरजीत सिंह। वेरी थैंक्सफुल मीडिया एंड टुडे इज हैप्पी डे दी ऑल पब्लिक ऑफ खिताबी पंजाब। मैं आज इस हसीन और जमील और बड़े खूबसूरत दिन पे पूरा खिताबी पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे दो दिन जो हमारे लिए ईद तुलू हुई है, पहला वो दिन था कि जब हम असेंबली इलेक्शन की नौइयत के सिलसिले में जिसमें जावेद राना साहब के लिए तो लोगों के नज़रिए से बहुत बड़ा मुश्किल था इलेक्शन, लेकिन एक बड़ी भारी अक्सरियत से उन्हें लीड की और लोगों ने इनको चाहट की और लोगों ने चाहा और बड़ी एक दबंग लीड से वो यहाँ पे कामयाब हुए और ऐवान बाला के अंदर जाके पहुँचे। आज दूसरा एक और दिन मेंढर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन, जैसे छोटी ईद होती है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को मैं उससे मंसूब करूँगा कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ईद और जश्न का दिन है कि खिता पीर पंजाल की बेबाक आवाज़ जिसको ऐवान बाला के अंदर हुकूमत ने लिया है। मैं हुकूमत का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस अवाम मेंढर की तरफ से, खिता पीर पंजाल की तरफ से, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इंसाफ किया है और ये दूर दराज ये आवाम बसने वाली, ये LOC पर बसने वाली आवाम, ये गरीब और निहत्ता आवाम जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, ये सिर्फ जावेद राना साहब जिन्होंने एक अपने मिशन के अंदर एक डेवलपमेंट एक तरक्की के मनसूबों को लिया हुआ है और हर एक गरीब की आवाज़ बनी हुई थी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इन गरीब लोगों की दुआओं को बारगाह रब्बी में कबूल फरमा कर आज वो दर्जा वो ताज अताफ किया है जावेद राना साहब को जो लोगों के दिल के अंदर मंशा और मंशूर था। हम अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह का फजल है, कर्म है, आसान है। यहाँ पर एक मैं नसीहत कती पेश करता हूँ कि कोई भी अल्लाह के हुक्म से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके तहीं हम ये कह सकते हैं कि ये इज्जत और जिल्लत का मामला जो है वो मेरे अल्लाह के हाथ है। आज जो अल्लाह की तरफ से ताज जावेद राना साहब को मिला है, इसके लिए मैं जावेद राना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं हाई कमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ अवाम मेंढर पूरी अवाम हमारी जो है वो पूरी अवाम हमारी जो है इस वक्त हमारे स्टेज पे है, खिता पीर पंजाल की अवाम जो है, तो इसके लिए मैं आज कोई नहीं रहा। और वो एक शेर है कि नेक सब में खड़े हो गए मामूद और अयाज, ना कोई रहा बंदा ना बंदा नवाज। आज सारी पार्टियों के लोग जो हैं और हम सबको मुबारक पेश करते हैं कि वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं। ये आपके लिए सबके लिए मिनिस्टर हैं, सबके लिए डेवलपमेंट है, सबके लिए खुशी का ताज है। मैं दावत फिक्र दूंगा मेंढर की, खास करके मेंढर की आवाम को कि इस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं, मुतहिद हो जाएं, इतिहाद हो जाए और मैं सब उन बालाए हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए सब तंजीम के लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमात से जमहूरी अतवार से यहाँ लोग लड़े हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस एक प्लेटफार्म पर आज फिर से आज यहाँ इकट्ठे हो जाए और ख़ास करके आवाम मेंढर से ये मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ आइए और इंशाल्लाह मैं दावत दे रहा हूँ कि ये सबके MLA हैं, सबके मिनिस्टर हैं और सबके लिए दिल खोल कर चलने वाले हैं। जैसे कि हमारे साहिद साहब ने अभी बात कही है कि उनकी एक ही आवाज़ थी, हमारी पार्टी का ये मिशन था कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद 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 की हैसियत से हम चलेंगे और कोई यहाँ गरीब अमीर गोरा काला हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सब एक ही सब के एक ही मेहमान हैं, एक ही गुलदस्ते के अंदर आएंगे। मेंढर के अंदर बहुत से गुलदस्ते जो एक ही सब में पड़े हुए हैं। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए इतिहाद की फिर से गुजारिश करूंगा और मैं फिर से ये अपनी मुबारकबाद पेश करूंगा हाईकमान को कि उन्होंने बहुत बड़ा इंसाफ किया मेंढर पर और खिता पीर पंजाल पर। थैंक यू वेरी मच सो मच। आवाम जितनी है, सब तो पहले अपने चीफ मिनिस्टर जो बने यूटी ने आज उमर अब्दुल्ला साहब इन सारे उन्हें की मुबारकबाद देना है खिता पीर पंजाल और मेंढर की तरफ, और बिलखसूस जोड़ा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने की मुबारकबाद देना है जिन्होंने एक बेहतरीन
एक अपना जरा नुमाइंदा असकी मेंढर चू दिता किता पीर पंजाल नी एक मजबूत तरीन शख्सियत जावेद अहमद राणा ने जड़ी एक ना सा उसकी और बुलंदी दिती उन्होंने जड़ी आई पग सी और उच्ची हुई ये पग पूरे खिते पीर पंजाल नी जम्मू कश्मीर ने लोगों ने भी ये हिफाजत कर सी और बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब ने बिल्कुल सही फैसला किया। इस फैसले पर अस मेंढर अवाम जड़े है ये तमाम मेंढर अवाम जितनी है सारे खुश है कि बे बे मजबूत तरीन जड़ा लीडर है जावेद अहमद राणा ये सारे ना लीडर है कोई माड़ा भरा कोई भी कोई परेशानी जाने कोई दस जावेद अहमद राणे ने बहुत बड़ा भार इतना दिल है ये सारे ने कम कर सन देखो तुम किस तरह जावेद साहब कम कर सन जिस तरह उन्होंने इलेक्शन की शुरुआत की सी मजबूती नाल उस आखिर भी जरा खत्म होया इलेक्शन वह भी बड़ी मजबूती नाल होया और आज अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़ी इज्जत नाल नवाजिया कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर मेंढर वाली तमाम लोगों की मुबारक वह और आज तमाम मेंढर ने पास भी मुबारक वह जावेद साहब की लख लख मुबारक होन उमर साहब की भी मुबारक होन जी कैबिनेट बनी सारे की मुबारक होन एक बेहतरीन फैसला किया भरावो कोई घबराने की लोड़ नहीं खुशियां बनाओ ये जावेद साहब सारे ना कम कर सन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ना और उच्चा कर सन किता पीर पंजाल जड़िया पांच छह सीटा सी जावेद राणे ने सारिया पर मेहनत की सारिया जाके उमर साहब ने झोली पईया ते इस वास्ते मजबूती है ते उमर साहब की मुबारक जावेद राणा साहब की मेंढर तरफ मुबारक मुबारक शुक्रिया जैसे कि अज एक पहला दिन सी जिस दिन जावेद साहब ने इतों जीत हासिल की और आज एक और उस तो बड़ी खुशी ना मुकाम है कि मेंढर की कैबिनेट विच जावेद राणा साहब की जी हाई कमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है उन्हें एक मेंढर पर बहुत बड़ा आसान किया और जावेद साहब की कैबिनेट आंदा है और जावेद साहब हर एक कम्युनिटी ने हर एक जात बलादरी ने और आए दिन तक जिस तरह जिमीदार गुजर पहाड़ी हिंदू सिख सारे नाले चले इसे तरह और मेंढर ना कम कर सन और इंशाल्लाह खिता पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर ने उन्होंने की एक नुमाइंदगी दी गई है ते आज जावेद साहब की भी मैं बहुत बहुत मुबारक देना खास करी मैं अपने बालाकोट ब्लॉक बालाकोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक प्रेसिडेंट और नाते मैं अपने ब्लॉक बालाकोट ने सारी आवाम की मुबारकबाद देना कि आज जावेद साहब एक कैबिनेट मंत्री बनी आए और इंशाल्लाह बालाकोट की सारे फरिश्तुना रखिया और उम्मीद रखना कि जिस तरह बालाकोट की उन्हें तहसील नाल नवाजिया बालाकोट नियाबता पाठातुड़िया नियाबत तराटी परुती हाई सेकेंडरी स्कूल और उन्होंने हर एक जरा परेशानी है बार्डर ना मामला है तो ये सब जावेद साहब ने नजर च है और मैं बालाकोट की आवाम की जमात ना एक सिपाही होने ने नाते एक वर्कर होने ने नाते मैं उन्होंने ये विश्वास देना कि कोई भी चाहे जिस जमात की वोट दिते उन्हें की मुबारक है अज जावेद साहब अज MLA वो सारे ने चाहे वह किस जमात ना है जोड़ा भी चाहे PDP है BJP है चाहे आजाद उम्मीदवार उन्हें सारे मुबारक देना कि कोई किसी नाल भेदभाव नहीं होएगा किस वोट दिते नहीं दिते जितों असं नहीं भी आए उन्होंने भी शुक्रिया करने तो मैं दावत देना ब्लॉक बालाकोट ने आवाम की कि इस प्लेटफार्म उपर आओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है वो जमात है कि जड़ी इस हर मामले ना हल करने वाली और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जितनी भी सारी क्यादत है उन्होंने मुबारक देने कि असा ने जो उम्मीदा सन और ही कमान साड़ी उम्मीदा पूरा उतरिया बहुत शुक्रिया मैं सारी आवाम की अपनी खास करी मेंढर ने जड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है साहिब सैकटरी साहब ना बहुत बड़ा पार्टी विच
एक कारगर्दी रही। जितने भी साढ़े मुखलस साथी रहे, आजम साहब और जिस तरह भी मेरे बालाकोट ने अजी नजुल्ला खान की मुबारक देना कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत असं बहुत बड़ा एक रस्ता दसिया कि असं तहसील दियो और इंशाल्लाह जावेद साहब ने वो बड़े काम किए, असं बड़ी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम नसरो मिनल्लाही व फतहुन करीब। आज पूरी रियासत के लिए बिलखसूस मैं कहूँगा कि खित्ता पीर मंजाल की मजलूम महकूम मजबूर आवाम के लिए आज एक अजीम दिन है और इस दिन पे इस अजीम मौके पे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत को उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनको मुबारकबाद भी करूँगा। जावेद राणा साहब को बहुत बहुत मुबारक पूरे इस खित्ता पीर मंजाल की आवाम की जानिब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर की जानिब से, और बिलखसूस मैं आज हमारे ज़िला पुंछ की आवाम यहाँ की बॉर्डर पर बसने वाले उनको दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आज इस मौके पर ये कहूँगा कि आज बड़े अरसे के बाद ये इंसाफ हक का सूरज तुलू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलाका की बेबाक आवाज़ जिसने हमेशा हक को इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की और आज चूँकि उनके उनके जो उनकी कलम में ताकत जो है दुगनी हो चुकी है और इस इलाका की तामीर और तरक्की में जावेद राणा साहब को एक कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जावेद राणा साहब की ये फितरत में रहा है, आदत में रहा है कि वो बगैर जात पात के, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के, बगैर रंग व नस्ल के हर एक आदमी की उन्होंने यकसां खिदमत की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खित्ता पीर मंजाल की आवाम के जो मसाइल हैं, यहाँ के बड़े बड़े मसाइल जो उनके ज़ेर गौर रहे हैं इससे पहले भी और आज चूँकि वो एक बड़ी कुव्वत के साथ इसमें अपने ओहदे पर बरजमान हुए हैं बहसीत कैबिनेट मिनिस्टर, उनको ये खिदमत का मौका मिला है तो वो इस इलाका की तामीर और तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस मौके पर फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं पूरे इस खित्ता पीर मंजाल के आवाम को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का ये इस पूरे पूरे इलाका के लिए एक अजीम दिन है और इस अजीम दिन की इस जश्न के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी के मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए जावेद राणा साहब भरपूर कोशिशें रहेंगे। शुक्रिया।